नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबरें। खबर राजस्थान के जिला छबड़ा से है, जहां पर 3 दिन पहले हुई हिंसक घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। वहीं इस घटना पर प्रशासन की ओर से कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। असल में इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोमवार को दिन भर कर्फ्यू लगा रहा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। कस्बे में एसटीएफ आरएसी और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें, जहां एक और मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को दिखाने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, वहीं इंडियन टीवी न्यूज ने इसे प्रमुखता के साथ आप तक पहुंचाया था। उग्रवादियों की ओर से तकरीबन 69 दुकानों और 14 वाहनों को आग के हवाले किया गया था। इस समय छबड़ा के मुख्य मार्गों को बंद कर पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसपी ने कहा है कि हालातों को देखते हुए रविवार को ही छबड़ा में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। पर्याप्त संख्या में जवान तैनात हैं। घटनाक्रम को लेकर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। तो देख रहे लोग पक्का चुराए पाओगे भी अरे मतलब चावल देखो आ गया देखो वहां चोटी वाला तो देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़। नमस्कार।